अगर प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी अभी कर दें। और मैं अभी अभी उठूँ, इस वजह से मेरा मुंह थोड़ा मोटा मोटा भी लग रहा है क्योंकि मेरे अब्बू की कॉल आई थी कि मैं लेने आ रहा हूँ। मोस्टली सैटरडे संडे मैं अपने घर पर ही होती हूँ मम्मी के घर, तो मैं जल्दी जल्दी उठी, फ्रेश हुई हूँ और रेडी हो गई हूँ। और अब आगे रैयान को उठाती हूँ मैं जाने के लिए, दोनों सो रहे हैं। और यहाँ अभी मेरी बन रही है चाय। मुझे इतना बड़ा बैग लेके जाना पड़ता है, मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ लेकिन रैयान की वजह से ना इतना बड़ा बैग लेता है। ये रैयान के बाबा और यहाँ ये रैयान अभी सो के उठे। रैयान नानों के घर जा रहे हैं ना, उठें जल्दी से। यहाँ हमारा नाश्ता आ चुका है, अब हम करते हैं नाश्ता, बस हल्का फुल्का सा नाश्ता करना है और फिर जाना है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, अब आया मैंने पहन लिया है और अब मैं जा रही हूँ। तो आज मैंने घर की कोई सफाई वगैरह नहीं की है क्योंकि मुझे जाना था, जल्दी हो रही है तो अब्बू लेने आ रहे हैं, वो रास्ते में है। तो मैंने रेहान को कहा कि आप जो है घर की सफाई वगैरह कर देना, रूम वगैरह साफ कर देना। और ये रैयान साहब घूम रहे हैं रेडी होके, और ये ना रो रहे हैं बहुत, इनको जाने की बहुत जल्दी हुई, अपनी नानी नाना से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो मैंने जब से इनको बताया नानों के घर जा रहे हैं तो बस ये रोए जा रहे हैं कि बस जल्दी आ जाएं और हम लोग चले जाएं। तो गाइस हम मिलते हैं वहाँ जाके आप लोगों से। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी अम्मी के घर। ये मेरे तमाम कज़न्स हैं, उमेर, अरीबा, ईमान। और यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो फिश लेकर आए हैं, वो धो रही हैं। अम्मी हेलो yeah. और ये है उमेर, ये हमारे बेस्ट कजन है, बेचारे बहुत काम वाम करते हैं। oh है हमारा, हम फौरन आवाज देते हैं तो ये ऊपर से नीचे फौरन आ जाते हैं, ये ऊपर रहते हैं। और ये रैयान जो हेलो, ये देखिए ये मेरी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, मेरी बेटी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे मेरी अम्मी जो है ना जा, यहाँ पे मैं रैयान को नाश्ता करवा रही हूँ, आज इन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया था घर में, तो ये भूखे हैं और ये बहुत रो रहे हैं। और ये इनको नाश्ते के वक्त, खाने के वक्त लाजमी ये कार्टून चाहिए होते हैं, ये कार्टून सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया है। रैयान ये ले, ओपन योर माउथ। गाइस मैं अभी खा रही हूँ दोपहर का खाना, मुझे बहुत भूख लग रही थी, आप लोग को पता है मैं नाश्ता भी सुबह बहुत ज़्यादा लाइट करती हूँ, तो इसके बाद मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। रैयान को सुलाऊंगी फिर मैं सोऊंगी। और अभी हम खाते हैं खाना, और खाने में अम्मी ने बनाए हैं भुने हुए आलू, तो मैं आपसे मिलती हूँ शाम में। गाइस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फ़िश पे मसाला, इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी। और ये मसाले के इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये चाट मसाला है, ये हल्दी है, ये फ़िश मसाला है, ये कुटी हुई मिर्चें हैं और वो अदरक लहसुन है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी सिरका, सिरके से इसका पेस्ट बनाऊंगी और फिर मैं इस पे मसाला लगा के रखूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिश में मसाला लगा चुके हैं और ये देखने में बहुत यमी लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी होगा, बहुत स्पाइसी होगा। तो हम इसको रखते हैं 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने, फिर हम इसको करते हैं फ्राई। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम बनाते हैं चाय। शाय शाम का टाइम है, शाम में तो चाय लाजमी होगी। गाय गैस आएगी तो चाय बनेगी ना। बाजार से आएगी। हाँ यार देखो गैस भी आ रहा हूँ, अभी तक गैस नहीं आया हूँ मैं। गैस आएगा कभी 5:30 बजे आता है, फिर 7:30 बजे चले जाता है, फिर 9 बजे के बाद। अच्छा तो चलें ठीक है, जब तक हम जाते हैं ऊपर और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे मैं अपनी छत पे आ गई हूँ, छत पे बहुत सन्नाटा है क्योंकि मेरे सारे कजन्स कहीं ना कहीं पूरी छत पे, बस सिर्फ उमेर और मैं ही आपको नजर आ रहे हैं। ये सर्दियों की शाम है, सब अपने घर में बैठे हुए हैं। मम्मा पापा नहीं आए, आंटी के घर पर।
अभी तक नहीं आया? अरीबा अलीशबा चली गई? हाँ वो लोग भी गई, वहीं बैठी हुई है, पप्पा मम्मा भी वहीं है। अच्छा यहाँ पे रैयान को देखें कितने आराम से बैठ के पोएम्स देख रहे हैं। रैयान रैयान इनका फुल फोकस है टीवी में। गाइस ये हमारे अमीन भाई हैं और ये टिकटॉक ही बनाते रहते हैं। मैं आपको इसका लिंक सेंड करूँगी, प्लीज़ आप इनको लाइक कर दीजिएगा। और इसको अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं इसको व्लॉग में ले रही हूँ, ये आ नहीं रहा था मेरे व्लॉग में, कह रहा मुझे शर्म आ रही है, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकूँगा। गाइस फाइनली हमारी यहाँ चाय बन गई है, अभी हमारी शाम की चाय नहीं है, हमारी रात की चाय हो गई है, मगरिब के बाद की पौने 7 बजे की चाय हो गई है। ये शाम की चाय बिल्कुल नहीं कहलाएगी, अभी कहलाएगी रात की चाय। तो गैस की वजह से हम चाय का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब बन गई है। और किन किन इलाकों में गैस नहीं आ रहा कमेंट में बताएं, आप हमें कमेंट में बताइएगा, हमें पता चले कि कहाँ कहाँ गैस नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारे इलाके में आ रहा है या फिर और भी जगह नहीं आ रहा है। यहाँ मेरी मॉम ने फिश फ्राई करने रखी है, जब ये हो जाएगी तो फिर हम खाना खाएंगे। फाइनली यहाँ लग चुका है हमारा खाना, खाने में है फिश एंड कढ़ाई। खाना वाना हम खा चुके थे, पेट पूजा हो गई, अम्मा के घर आके तो सिर्फ यही काम होते हैं, खाना पीना सोना घूमना, मुझे ही मुझे होती है फुल टाइम, कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी काम की कोई फिक्र नहीं होती। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी पार्लर खोला है न्यू, तो मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे उससे अपने बालों की केराटिन का भी पूछना है। तो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से बाद में। अस्सलाम वालेकुम सोना, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा पार्लर माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया हुआ है और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। फाइनली यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी थी, मैं अभी अभी आके बैठी हूँ और यहीं पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दें और